हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीए मार्केट विद विनी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पारस डिफेंस और शारदा मोटर्स इन दोनों के दिसंबर क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेटमेंट है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की। हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे, देख सकते हैं स्टेटमेंट जो है सो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा फ्रेंड्स, जो कि क्वार्टर और नाइन मंथ दोनों की स्टेटमेंट देखने को मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग एक बार स्टेटमेंट को देख लेते हैं कंपनी ने कैसे परफॉर्मेंस दिया। तो फ्रेंड्स, जो स्टेटमेंट आपको शो हो रहा है वो है, देख सकते हैं स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, नंबर्स लाख्स में होंगे। बात करें टोटल इनकम की तो टोटल इनकम जो निकल के आई, देख सकते हैं 44 करोड़ का इनकम देखने को मिल रहा है, जबकि सितंबर क्वार्टर में 52 करोड़ का इनकम देखने को मिल रही थी और दिसंबर 20 क्वार्टर में 24 करोड़ का इनकम देखने को मिल रही थी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, कंपनी का जो इनकम है क्वार्टर ओवर क्वार्टर नेगेटिव जाते हुए देखने को मिली, बट ईयर ओवर ईयर में अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, इनकम में ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, जिसको मार्केट नेगेटिव मिल सकता है। फ्रेंड्स, अगर बात करें इसके एक्सपेंस की, देख सकते हैं 35 करोड़ अराउंड जिससे एक्सपेंस देखने को मिल रहा है, जबकि दिसंबर क्वार्टर में 41 करोड़ अराउंड एक्सपेंस देखने को मिल रहा था, दिसंबर 20 क्वार्टर में 26 करोड़ अराउंड एक्सपेंस देखने को मिल रहा था। देख सकते हैं फ्रेंड्स, कंपनी में ने जैसे जैसे इनकम किया वैसे कंपनी का एक्सपेंस भी होता हुआ नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, वही अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट्स की, तो कंपनी को जो प्रॉफिट्स हुआ इस बार, देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रॉफिट जो देखने को मिल रहा है 7 करोड़ अराउंड प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जबकि सितंबर क्वार्टर में 8 करोड़ अराउंड प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, दिसंबर 20 क्वार्टर में 2 करोड़ के अराउंड जैसे लॉस देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ईयर ओवर ईयर में कंपनी ने अपने लॉस को रिकवर करके प्रॉफिट्स किया है और क्वार्टर ओवर क्वार्टर में प्रॉफिट में नेगेटिव आते देखने को मिली है, जिसको फ्रेंड्स मार्केट नेगेटिव मिल सकता है, इसके प्राइस पे गिरावट देखने को मिल सकती है कल के डेट में। बात करें इसके ईपीएस की, तो देख सकते हैं ईपीएस जो है 1.8 पिछले ईपीएस जो कि प्रीवियस क्वार्टर से गिरावट देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थे इसके फाइनेंशियल। अब हम लोग इसके प्राइस की सेगमेंट की बात करें, देख सकते हैं सेगमेंट जो है हेवी इंजीनियरिंग डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी चीज़ों में कंपनी जो ऑपरेट होती है। देख सकते हैं इसका इनकम जो है अपने यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा फ्रेंड्स, जो कि देख सकते हैं। अगर बात करें कंपनी की, जो देख सकते हैं आपको जो इसका जो है सो सेगमेंट जो है रेवेन्यू जो है अपने यहाँ पे जनरेट हो गया, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। बात करें इसके प्राइस की, इसकी प्राइस अभी चल रही है फ्रेंड, देख सकते हैं फ्रेंड्स, 692.9 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था आज, और जो कि 1.87% का ग्रोथ देखने को मिला। फ्रेंड्स, इसमें कल हो सकता है थोड़ा सा नेगेटिव जाते देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि क्वार्टर ओवर क्वार्टर में जो प्रॉफिट्स है फॉल देखने को मिला है, गिरावट देखने को मिली है, बट ईयर ओवर ईयर में अपने लॉस को रिकवर किया है कंपनी ने। तो फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है शारदा मोटर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की है, देख सकते हैं इसकी भी स्टेटमेंट आपको शो हो रहा होगा, जो कि क्वार्टर और नाइन मंथ्स दोनों की स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, वही अगर हम बात करें कंपनी के नंबर्स की, बात देख लेते हैं फ्रेंड्स, कंपनी तरफ से कोई भी डिविडेंड इशू नहीं किया गया, इसके नंबर देख सकते हैं लाख्स में है। टोटल इनकम की बात करें तो देख सकते हैं 584 करोड़ के अराउंड जिससे इनकम देखने को मिल रहा है, जबकि सितंबर क्वार्टर में 597 करोड़ के अराउंड इनकम देखने को मिल रहा था, और दिसंबर 20 क्वार्टर में 590 करोड़ के अराउंड इनकम देखने को मिल रहा था। देख सकते हैं फ्रेंड्स, कंपनी की जो इनकम है लगातार डाउनफॉल होती हुई देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम इसके एक्सपेंस की बात करें, कंपनी का जो एक्सपेंस हुआ इस बार, देख सकते हैं 526 करोड़ के अराउंड एक्सपेंस देखने को मिल रही है, जबकि सितंबर क्वार्टर में 536 करोड़ के अराउंड एक्सपेंस देखने को मिल रहा था, और दिसंबर 20 क्वार्टर में 545 करोड़ के अराउंड जो एक्सपेंस देखने को मिल रहा था। देख सकते हैं फ्रेंड्स, कंपनी ने जैसे जैसे इनकम किया उसके अकॉर्डिंग कंपनी का खर्च भी हुआ, और फ्रेंड्स इसमें जैसे कल प्राइस थोड़ी सी इम्पैक्ट देखने को मिल सकती है, थोड़ी सी डाउनफॉल देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी का जो इनकम है इस बार बहुत ही मतलब फॉल देखने को मिल रहा है क्वार्टर ओवर क्वार्टर और ईयर ओवर ईयर दोनों में फॉल देखने को मिल रही है। अगर प्रॉफिट्स की बात करें, देख सकते हैं 42 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जबकि सितंबर क्वार्टर में 45 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, और दिसंबर 20 क्वार्टर में 33 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रॉफिट में भी जो ईयर ओवर ईयर थोड़ी सी ग्रोथ हुई है, बट क्वार्टर ओवर क्वार्टर में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिल रही है। अगर हम ईपीएस की बात करें, देख सकते हैं 14.38 रुपीज़ का ईपीएस देखने को मिल रहा है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, अब बात कर लें हम लोग इसके प्राइस की, तो कंपनी की जो भी प्राइस चल रही है, देख सकते हैं फ्रेंड्स 793 पे आज ट्रेड किया, जो कि 3.86% का ग्रोथ देखने को मिला। तो फ्रेंड्स, ये थे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स। वीडियो में यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।